मूली पराठा बेलते वक्त बहुत बार फट जाता है। आज मैं आपको दूंगी कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट बने। यहाँ मैंने ली हैं दो मूली, इसको अब हम दो हिस्सों में काटेंगे और इसके जो मूली के जो पत्ते हैं उसके जो छोटे वाले लीव्स हैं वो हम लेंगे और अपने मूली पराठाज में डालेंगे। तो आप छोटे पत्तों को निकाल के साइड रखें। तो यहाँ मैंने मूली को छील के साफ कर लिया है और छोटे पत्तों को भी निकाल लिया है। इसको अब हम बारीक बारीक काटेंगे तो इनसे आपके मूली के पराठों में बहुत अच्छा स्वाद आएगा। यहाँ मैंने लिया है एक ग्रेटर और इसके मोटे वाले हिस्से से हम मूली को ग्रेट करेंगे। तो अब एक ग्रेटर की हेल्प से आप सारी मूली को ग्रेट करके रेडी करें। तो ये सारी मूली अब हमने तैयार कर ली है। इस पॉइंट पे अगर आप देखें मूली के अंदर बहुत सारा मॉइस्चर और पानी होता है, तो हमें वो सारा पानी निकालना है। तो आप इसको अपने दोनों हाथों के बीच में कस के प्रेस करें। इसी तरह से आप सारी मूली को तैयार रखें। तो यहाँ मूली को अब हम स्प्रेड करेंगे एक ट्रे या प्लेट के ऊपर। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसे थोड़ा पंखे के नीचे सुखाएंगे। हम नहीं चाहते मूली में एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहे। इसके ऊपर अब आप डालें बारीक कटे हुए मूली के पत्ते और इसको फैन के नीचे आप थोड़ी देर सूखने दें। अब इस पॉइंट पे हमारी जो मूली है उसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, गरम मसाला, अमचूर, अजवाइन और उसी के साथ बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। आप ध्यान दें नमक मैंने इस पॉइंट पे नहीं डाला है। तो अब ये मसाला हमारा रेडी है। इसका अब मैं एक पोर्शन निकालूंगी जिसका मुझे पराठा बनाना है और उसमें मैं नमक डालूंगी। आप एक साथ नमक नहीं डालें क्योंकि मूली पानी छोड़ देगी। तो बस अब आप इस हिस्से में नमक डालें और इसको अच्छे से मिक्स करें। यहाँ मैंने लिया है आटा। तो आप पराठे बनाते वक्त कभी भी बहुत सारा आटा नहीं लें। आप इतनी कंसिस्टेंसी रखें अपनी लोई की, वरना आपके पराठे में आटा ज़्यादा और मूली कम लगेगी। अब सूखा आटा डाल के आप इसे इक्वली बेलें। बेलते वक्त आप ध्यान रखें सेंटर से वो ज़्यादा पतला नहीं हो। अब हम इसमें लगाएंगे देसी घी। इक्वली इसे स्प्रेड करें और अब आप इसके सेंटर में डालें हमारी मूली की फिलिंग। उसी के ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा सूखा आटा ताकि अगर थोड़ा भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो वो ये अब्सॉर्ब कर ले। अब आप ध्यान से इसको क्लोज करें। और जो बाहर जो एक्सेस आटा है उसको भी हम अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बेलने से पहले आप इस तरह हल्के हाथ से इसको प्रेस करें। कई बार अंदर हवा रह जाती है, अगर आप डायरेक्टली बेलेंगे तो आपका पराठा फट सकता है। अब आप लगाएं थोड़ा सा सूखा आटा ऊपर से और इसको इक्वली आप सब तरफ से बेलें। अगर मैं आपको थिकनेस दिखाऊं तो आपको इतनी रखनी है। आप देखें मूली हमारी बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अब तवे में हम डालेंगे देसी घी और पराठे को हम मीडियम हीट पे 1 से 2 मिनट तक सेकेंगे। अब 2 मिनट बाद आप पराठे को पलटें और इसी तरह से भी दूसरी तरफ आप इसे सिकने दें। इसमें अब आप लगाएं देसी घी और हल्का गोल्डन ब्राउन जब इसमें कलर आ जाए तब आप पराठों को प्लेट पे ट्रांसफ़र करें। आप अपनी पसंद से जितना आप ज़्यादा सिका हुआ खाना चाहते हैं उतना आप इसको सेक सकते हैं। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं हमारे मूली पराठास। ट्रांसफ़र करें एक प्लेट में और ज़रूर बनाएं इन सर्दियों में। अगर आप मेरे ये टिप्स फॉलो करेंगे तो ये हमेशा बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं और कोई स्टफ्ड पराठा रेसिपी मैं बनाऊं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं।